तरीके से बुलडोजर पर वार पलटवार हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया था, सपा सरकार बनते ही बड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही थी, बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, यह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। 2027 में बनेगी सपा सरकार और बीजेपी का सफाया हो जाएगा, ये उन्होंने दावा किया। और उसके बाद जो बात कही वो सबसे विवादास्पद है, उन्होंने कहा कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख हो जाएगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही। आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है, अवस्थी साहब ये क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए अखिलेश यादव का जब भी नाम आता है तो एक अराजकता और एक अपराध का संसार सामने नजर आता है। अखिलेश यादव ने एक बदले की भावना से जिस तरह की बात कही है कि हम 2027 में अगर सरकार उनकी बनती है तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर कर देंगे, यानी कि वो बदले की कार्रवाई से गोरखपुर या भाजपा के लोगों के यहाँ बुलडोजर भेजने की जो बात कर रहे हैं, यह एक तरीके से अराजकता फैलाने का उनका मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 7.5 वर्षों से यूपी के अंदर है और एक भी अतिक्रमण की कार्रवाई पर किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी विपरीत निर्णय नहीं दिया गया, यानी कि अतिक्रमण की जो भी कार्रवाई करी है वो नियमानुसार करी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अभी हलफनामा हमारे पार्टी के दिया हुआ है वहां भी उन्होंने जो है अप्रिशिएट किया है, तारीफ करी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ठीक काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ श्रीमान अखिलेश यादव से कि वो बुलडोजर कहाँ चलाएंगे, गोरखनाथ मठ पे चलाएंगे या किस योगी आदित्यनाथ जी के घर पर चलाएंगे या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर चलाएंगे, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी जो कि हमारी सरकार तो सिर्फ उन पर कार्रवाई कर रही है जो अपराध कर रहे हैं और उनका निर्माण जो है अवैध है, तो कानूनन जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और अखिलेश यादव जी शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं 2017 से देख रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी लेकिन बड़ी मुश्किल से लोगों ने निजात पाई है कि एक अपराधी दंग बलात्कारी। ठीक है अवस्थी साहब, बने रहिए। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भदौरिया साहब, ये अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, बुलडोजर गोरखपुर में जाकर के क्या करेगा? देखिए हम लोग का जो बुलडोजर है वो अन्याय के खिलाफ चलता है, न्याय दिलाने के लिए। हमारा बुलडोजर राजनीतिक बुलडोजर नहीं होता है जी, ना हमारा बुलडोजर कभी अन्याय के खिलाफ चलेगा, अन्याय करने के लिए नहीं चलेगा। तो जो बुलडोजर समाजवादी का बुलडोजर जो होगा वो जो लोग अन्याय समाज में करते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर चलेगा। हमारा बुलडोजर ऐसे थोड़ी किसी बस्ती पे चल जाएगा जो बस्ती। तो अनुराग जी, गोरखपुर में ऐसा कौन है आपके परिभाषा के हिसाब से, समाजवादी पार्टी का बुलडोजर गोरखपुर में ऐसा कौन है जहां पर जाकर के एक्शन मोड में दिखाई देगा? बात गोरखपुर की नहीं है, बात कहीं भी अन्याय होगा, जहां भी अन्याय होगा। अखिलेश यादव के बयान पर पूछिए इनसे कि अखिलेश यादव का बयान गोरखपुर में किसकी तरफ? अरे गोरखपुर में भी जब लोग आए थे कल मिलने के लिए, किसी के खिलाफ अगर अन्याय का बुलडोजर चला होगा, जिसके ऊपर अन्याय हुआ होगा, तो न्याय तो मिलेगा ना उसे। न्याय तो मिलना चाहिए अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है। भाई किसी के ऊपर भी अन्याय होगा तो न्याय तो मिलेगा ही और मिलना भी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये बात तो सरकार को भी करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी यही होती है। अरे कोई हम लोग यहाँ पे दबंगई करने और दादागिरी करने थोड़ी आते हैं भाई, आप राजनीति में समाज सेवा के लिए, अनुराग जी दरअसल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है वो तो ऐसा लग रहा है राजनीतिक विद्वेष निकालने के लिए बुलडोजर वहां भेज दिया जाएगा। नहीं ऐसा ये सोच हो सकती है भाई, गोरखपुर के कुछ लोग मिलने आए थे, वो अपनी समस्या बता रहे थे, उनके साथ अन्याय हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है, अगर गोरखपुर के रहने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि भाई जब बुलडोजर हमारी सरकार आएगी तो भाई हम भी न्याय दिलाएंगे। अनुराग जी, आज मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई बुलडोजर चलाने के लिए शक्ति होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जैसी क्षमता बुलडोजर में होती है, जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति हो तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अपराधियों के सामने घुटने आप लोग टेकने वाले लोग हैं तो ऐसे कैसे बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बताइए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, महिलाओं पर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, चोरी डकैती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, निंदाले मर्डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप बताइए सरकार इनकी है और कह रहे हैं कि माफिया बदमाश हमारे, ये कैसे हो सकता है भाई? जरा आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार इनकी
तो जिम्मेदारी इनकी है ना, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भूमाफिया पैदा हो रहे हैं ना लगातार। भाई जो भूमाफिया है, जमीनें कब्जा की जाती हैं, जिस तरह से आप देख रहे हो रोज की रोज नई घटना देखने को मिलती है, चाहे महिलाओं की, आप जन्माष्टमी के दिन आपने देखा कैसे दो बेटियां का शव। अनुराग जी जल्दी से बता दीजिए, बुलडोजर चलाने की क्षमता और शक्ति आप लोगों में होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सवाल पूछा है। जनता हमें ताकत देगी 2027 में, सरकार बनवाएगी जनता, जनता की ताकत से बुलडोजर चलाने की शक्ति आ जाएगी। आलोक जी क्या कहना चाह रहे? देखिए अखिलेश यादव जी के अभी दो ब्रांड इस समय पूरे यूपी में चर्चित है, एक नवाब ब्रांड और एक खान ब्रांड। अभी मोहित खान के ऊपर भी डीएनए टेस्ट की जांच का रिपोर्ट आने वाली है। नवाब ब्रांड जो इनका था उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, वो बलात्कारी सिद्ध हुआ है। तो बलात्कारियों के साथ जब अखिलेश यादव खड़े दिखाई पड़ेंगे और आम जनता साथ नहीं दिखेंगे, बालिकाओं के बलात्कारियों को बचाने के लिए डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की बात करेंगे, तो आप जब डीएनए टेस्ट प्रूफ हो गया है तो अखिलेश यादव अपने किए पे और अपने कहे पे माफी मांगेंगे क्या? दूसरी बात, जिस तरह का अराजकता फैलाने वाला बयान अखिलेश यादव जी का है, जो उनकी क्या कहते हैं, जो उनका मंतव्य है, उन्होंने बता दिया है कि वो बदले की भावना से काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता जो है उनको ये मौका देगी नहीं। 2017 में बड़ी मुश्किल से जनता ने छुटकारा पाया है इस अपराधियों की समर्थक सरकार से, और जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार से, दंगाइयों से मुक्ति मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कोई भी प्रदेश की जनता अखिलेश यादव का वो कार्यकाल याद करके सिहर उठती है और इनको फिर उत्तर प्रदेश के अंदर नाको चने चबाएगी और ये इनको सपने सपने ही रह जाएंगे, ये मेरा स्पष्ट रूप से कहना है। ठीक है, शुक्रिया आलोक अवस्थी जी और अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए।